हमें बहुत मजा आ रहा है सालों के जाने के बाद हमारा आधा रात का कचरा और हम टाइम से सो पा मतलब टाइम से मजे कर पा रहे हैं। कॉफी का दूध बच रहा है हमारा। दुकान ही नहीं दुकान ए वो वीडियो देख के मेरी जिसकी जिसकी बार तो मेरा मेरी ख्वाहिश थे पैर पर डाल के देखने की तो इसमें लिए चप्पल कितने की आड़ी कितने की 4,745 चल बाय कहते बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, तो हाय गाइस। तो कल आ रही है शानू विदाई के बाद आ रहे मतलब आज आ रही है 2:30 रात के और ये देखो इसने 2:30 कॉफी बनवाई है। टाइम दिख गया टाइम और ये पीछे खड़े हैं हमारे वर्कर्स त्रिलोकपुरिया भजनपुरिया भजनपुरिया तिलकपुरिया वजीराबादपुरिया वैसे एक बात तो यहाँ बच्चों को भी नींद नहीं आ रही सब पुरिया वाले तुमने उठाया चक्कर में मुझे बर्तन धोने के लिए बहन बच्चे की हमारी बर्तन वाली चली गई ना बच्चे की बात है तो बच्चा हमें बहुत मजा आ रहा है सालों के जाने के बाद हमारा आधा रात का बच रहा है और हम टाइम से सो पा मतलब टाइम से मजे कर पा रहे हैं। कॉफी का दूध बच रहा है हमारा रात की कॉफी अब और भी मजा आ रहा है मतलब बहुत मजा आ रहा है शानू अभी और जगह मिल चुके है सोने के लिए अब हम खुल के सोएंगे। नंदी को पर्सनल फोन मिल गया। एक चने को हमें ऊपर भेजना पड़ता था या फिर इधर उधर बाहर भेजना पड़ता था वो शानू चली गई तो उसकी वजह से जगह बन चुकी है। गाइस मेरे को पर्सनल फोन मिलेगा शानू का फोन वो छोड़ के चले गई तो वो उसके नाम हो गया बेशरम फोन है। दीदी तुम बस पढ़ रहे हो देख वो लिखा हुआ है यही तो है यही है तो मेरे लहंगे का थैला खो चुका था थैला शादी में वो अब मिला है पता इंतजार में तुम कब बुला लोगे। तो ये शादी के 2 दिन बाद का है संडे को मतलब विदाई कितने कौन से हुई थी फ्राइडे को विदाई हुई थी तो संडे को हम शाम को बुलाएंगे पग फेरे के लिए तो कल का ब्लॉग 8 तारीख की सुबह को हुई थी हाँ और कल क्या 11 तो कल और ये थे बर्तन धो रही है पटक के मार दिए ये देखो शानो के बिना क्या हो रहा है घर का हाल पटक पटक के बर्तन धोए जा रहे हैं। अब फिदा मैं दिखाऊंगी कल का ब्लॉग जब शाम में आएगी उसकी तैयारी होगा जो कान ही थी जो कान वो वीडियो देखते मेरी जिसकी तो इन लोगों को अभी भी नींद नहीं आ रही और मैंने बनाई अपने लिए स्ट्रॉन्ग सी कॉफी ब्रूटो को भी नींद आ रही तू कहाँ जा रहा है ये देखो अभी तक भी पत्तल में खा रहा है किसान ने तो नहीं पूछा टूट होएगा और मेरे भाई की मैंने चप्पल पहनी हुई है मेरे भाई ने मैं भी सोच रही थी की ये चप्पल एक बार तो मेरा मेरी ख्वाहिश थी पैर में डाल के देखने की तो इसने लिए चप्पल कितने की आड़ी 4,400 कुछ की है ये 700 इसकी नाइक कितने की 4,700 ओरिजिनल नाइक 4,445 3,115 की थी टैक्स लग के। तो फ्रेंड शूज तो हमने सुने कि हाँ पर चप्पल तो मैंने पहली बार देखी है ऐसे 4,000 की चप्पल तो बहुत अच्छी लग रही है मुझे कंफर्टेबल से गौरव जून टू और मुझे पैकू पैकू अपना पैक मेरा नहीं ये देखो आप पास से देख सकते हो। तो गाइस नया दिन लग चुका है मैं इधर देखता हूँ ये पीछे हथौड़ा है ये कोमल मोटी है ये नंदी है और हमारी बहन आ रही है आज बड़ी दूर से गांव में से हेलो गाइस
ब्रूडो अंदर बच्चे पे भी तो सारे वो कपड़े टांग पड़े बेटा 300 प्लेट का टारगेट बुआ तो शानू के वेलकम के लिए ये पूरा घर डेकोरेट करवाया था, मतलब पूरा घर डेकोरेट तो शादी में ही हुआ था लेकिन बलून्स वगैरह आज लगवाए थे डेकोरेट करवा के गेट पर और अंदर। और यहाँ पर मैं भी तैयार हो चुकी थी, एडी पीछे से झांक रहे हैं मुझे। चले लिया है केक। मैंने पहना था पैरेट ग्रीन कलर का सूट और मेरे हाइलाइट्स कैसे लग रहे हैं फ्रेंड्स, इस बार के मुझे बहुत अच्छे लगे। एक बार और कराए थे मैंने बाल कलर तो बहुत ही बेकार हुए थे वो। और हम ऐसी मस्ती कर रहे थे एडी और मैं, हम घर में ऐसे ही डांस करते रहते हैं, मस्तियां करते रहते हैं बहुत, और लड़ाइयाँ भी बहुत करते हैं मजाक मजाक में। तो डांस कर रहे थे हम दोनों। तो सब बाहर खड़े हुए थे शानू के इंतजार में, उसका वेट कर रहे थे क्योंकि उन्होंने बोला था कि हम रोड पर ही, मतलब आ रहे हैं, गली में घुस चुके हैं। और ये शानू की तैयारी के लिए दिए वगैरह रखे हुए थे, मिठाई विठाई और वेलकम लिखवाया था फूलों से। तो फ्रेंड्स मैंने शादी में गाड़ी नहीं दिखाई थी, तो ये गाड़ी है जो शादी में शानू की फूफा ने दी थी बलैन। बर्थडे मौसी आ जाओ अंदर आ जाओ। मिस्टी ए दीदी कितना खड़े देखो दूर नहीं बोल सकते, हमने नहीं कहा।
तो यहाँ पे खाना वाना खा के नाश्ता करके तो शानू के जाने की तैयारी कर चुके थे, मतलब दोबारा इसको तैयार किया था यहाँ के कपड़े और ज्वेलरीज वगैरह पहना के घर की। तो आई बहुत लेट थी और फिर चली भी जल्दी गई थी, थोड़ी बहुत देर ही रुकी थी। तो ये एक रस्म होती है जो कि पग फेरे की होती है शादी के बाद, तो ये वही रस्म है। इसमें बेटी आती है और मतलब पग फेरा करके चली जाती है। अब इसको लेने जाएंगे तो फिर आके कुछ दिन घर पे रुकेगी। बड़ा है वो भी। हाँ बाबू, मौसी से जा रही है। चल बाय कह दे। बाय बाय बाय। काट दो भाई पूरी। बाबू अपने घर जा रही है, उनकी शादी हो गई। बाय बाय। के गया रा? बताइए के गया रा? हेलो गाइस, देखो इसमें पैसे हैं। तो कुकु ने आते ही पैकिंग खोल दिया कपड़ों की और इसको इसमें कुछ नहीं दिख रहा, इसमें इसको बस पैसे दिख रहा और इसको पता भी नहीं है पैसे, ये कभी मांगते भी नहीं है। और ये बुआ ने सूट दिया था सगाई जो देते हैं ना उसका, और बुआ ने अभी एक ये सूट दिया मेरे को जो कि बनारसी टाइप का है, मतलब बहुत ही प्यारा लग रहा है। और इसका ये दुपट्टा है, गोटा पट्टी वर्क का। नो मम्मी बिंदिया पहन लो। पहन लो बिंदिया। तो इसको बहुत मजा आ रहा है फैलावा मचाने में, इसने आते ही ये सब खोल के फेंक दिए। सोच रही थी कुछ खाने वाने का सामान है या खेलने के खिलौने है उस बैग में। तो ये कपड़े आए थे शानू की ससुराल से, शानू लेकर आई थी साथ में कुकु के कपड़े। तो ये कपड़े बहुत ही प्यारे हैं लेकिन बहुत छोटे आ गए कुकु के, तो ये देखेंगे चेंज कराएंगे। और बहुत ही मतलब गर्म थे ये, अच्छे लगे थे लेकिन छोटे की वजह से मुझे चेंज कराने पड़ेंगे। तो शानू को थैंक यू, शानू कपड़े लेकर आई कुकु के लिए। और कुकू को किसी से कोई मतलब नहीं है, बस इसको फोन से मतलब है और किसी से कोई मतलब नहीं है इसको। नहीं करेगा, हेलो करो। तो फ्रेंड्स ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा सारे व्लॉग्स अच्छे लगे होंगे शादी के फंक्शंस के। तो ये लास्ट जो था फंक्शन शादी का वो थी पट्टा फेर की मिलाई जो होती है लड़की की, तो ये बस लास्ट है। अब लेने जाएंगे शानू को, लेकिन वो सिर्फ मतलब घर के जो मेंबर्स आदमी वगैरह होते हैं वही जाते हैं, तो उसके तो मैं ब्लॉग नहीं बना पाऊँगी, तो इसलिए ये लास्ट ही था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब नेक्स्ट जो आएंगे वो मेरे डेली रूटीन के ब्लॉग्स आएंगे या फिर घर में कोई फंक्शन वगैरह होंगे उसके आएंगे ब्लॉग्स आएंगे। मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि मैं भी ब्लॉग बनाऊंगा तुम्हारे चैनल पे, अपने रेसिपी डालूंगा कुकिंग की। तो देखूंगी कब बनाएंगे कुछ और कब मैं इनकी रेसिपी डालूंगी अपने चैनल पे। तो ये भी बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं, बहुत ही अच्छा खाना बनाते हैं, तो किसी दिन कुछ अच्छा स्पेशल बनवाएंगे इनसे और अपने ब्लॉग में मैं डालूंगी, मतलब अपने चैनल पे मैं इनकी रेसिपी डालूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, शादी के ब्लॉग हमारे यहीं पे ख़त्म होते हैं।
तो सब ब्लेसिंग्स तो शानू को कि उसकी मैरिड लाइफ जो है बहुत ही अच्छी हो, सक्सेसफुल, बहुत खुश रहे वो दोनों साथ में। तो हम भी यही दुआ करते हैं और आप लोग भी यही दुआ करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और फ्रेंड्स, अगर मेरे व्लॉग्स वीडियोस अच्छी लगी हों और ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बाय बाय। मेन चीज़ बोलना मैं हमेशा भूल जाती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो ज़रूर से सब्सक्राइब करना अगर ये वाला व्लॉग अच्छा लगा हो, या शादी के जितने भी व्लॉग मैंने डाले वो अच्छे लगे हों। तो आगे कोशिश करूँगी अच्छे व्लॉग बनाऊँ और डालूँ चैनल पे। तो बस यहीं तक था, बाय बाय।